प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने जो अभी अभी एक बजट पेश किया है उसको हम हिंदुस्तान का पहला पोस्ट ट्रूथ बजट कह सकते हैं, क्योंकि 18 घंटे पहले, सिर्फ 18 घंटे पहले जब ये बजट पेश किया गया उससे 18 घंटे पहले हमारे सरकार ने जो हमारी जीडीपी है पिछले 2 साल की जीडीपी उसके आंकड़े एकदम बदल दिए। देखिए क्या हुआ, 2016-17 वो वाला साल जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था और बहुत क्लियर था सबको, सबको दिख रहा था कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था डिमोनेटाइजेशन ने। लेकिन ये जो नए नंबर आए हैं, नए आंकड़े आए हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि वो जो 4 घंटे थे लोगों के पास जब उनके 500 के हज़ार नोट कैंसिल नहीं हुए थे, 500 और 1000 के नोट कैंसिल नहीं हुए थे, उन 4 घंटों में उन्होंने इतनी खरीदारी करी, इतना खर्चा किया, इतना कुछ खरीदा कि जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ा दिया गया, उसकी छलांग लगा दी गई नए नंबर में उसको 7.3% से बढ़ाकर 8.2% कर दिया गया। तो इसका असर क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, जो जीडीपी थी जो पहले कहा गया था 7.1% से ग्रो करी थी, अब नए आंकड़ों में उसने इतनी बड़ी छलांग लगा ली 110 बेसिस पॉइंट्स की, 1.1% की छलांग लगा के वो 8.2% पे पहुंच गई। और ये प्रधानमंत्री मोदी के 5 साल के कार्यकाल की सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट हुआ है। तो हुआ है किस साल में, उस साल में जिसमें डिमोनेटाइजेशन ने हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर दिया था। अब देखिए अगले साल में ही क्या हुआ कि जो हमारी कृषि क्षेत्र की ग्रोथ है, एग्रीकल्चरल ग्रोथ है, उसको पहले तो कहा गया था कि 3.4% थी, लेकिन एकदम नए आंकड़ों में उसको बढ़ा दिया गया, 5% कर दिया गया, मतलब कि 50% ग्रोथ का आंकड़ा बढ़ा दिया गया। तो मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि जब हमारे फील्ड स्टेटिस्टिशियन गांव में गए, खेतों में गए, जब उन्होंने फार्मर से बात करी, किसानों से बात करी, तो उन्होंने दिखा नहीं कि वो किस तरह खुशी में झूम रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी दिखा रही थी ये जो नए आंकड़े आए हैं। अब इसका असर देखिए, इसका इम्पैक्ट देखिए, जीडीपी जो 2017-18 की थी उसको बढ़ा दिया गया, पूरे 50 बेसिस पॉइंट्स से उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि लगता था कि हमारे जो कृषक हैं, हमारे जो फार्मर हैं, हमारे जो किसान हैं, वो तो एकदम खुशी से, फिर मैं कहूँगा, झूम रहे थे। तो अब ये इतना ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए ये जो डिनोमिनेटर होता है हर इकोनॉमिक आंकड़े में, ज़्यादातर जो डिनोमिनेटर होता है वो जीडीपी होता है। जितनी भी आप की मेट्रिक्स की आंकड़े निकालते हैं, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज, उसमें डिनोमिनेटर तो जीडीपी होता है और न्यूमरेटर जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट का नंबर होता है। लेकिन अगर अब आप डिनोमिनेटर को बदल दें, उसको बढ़ा दें, तो आप न्यूमरेटर को भी बढ़ा सकते हैं। आप अपनी जो गलतियां हैं, जो आपकी खामियां हैं, वो आप एक ज़्यादा बड़े नंबर में दिखा सकते हैं, लेकिन जो फ्रैक्शन बनेगा वो तो फिर छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर आपने बढ़ा दिया। तो आप दुनिया को कह सकते हैं, देखिए मैंने तो जो मैंने कहा था डिलीवर कर दिया, लेकिन आपने डिलीवर कैसे करा, आपने डिलीवर करा डिनोमिनेटर को बढ़ाने के बाद। देखिए अगर मैं सीरियसली कहूँ, गंभीरता से कहूँ, तो ये जो मोदी सरकार जीडीपी को बार बार चेंज कर रही है, उसको रीस्टेट कर रही है, ये काफ़ी चिंता की बात है। पिछले साल एक काफ़ी साइंटिफिक, एक काफ़ी एक्सपर्ट एक्सरसाइज शुरू की गई थी, जिसमें कहा गया था कि 2012 को बेस का साल लेकर हम अपनी पुरानी जो जीडीपी की सीरीज़ है उसको रिकैलिब्रेट करेंगे, उसको रीस्टेट करेंगे, उसको दोबारा से उसका अनुमान लगाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से, और मैं बदकिस्मती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब ये आंकड़े दोबारा लिखे गए, उसको अनुमान किए गए, तो जो यूपीए सरकार थी उसने अपने 2 साल में 2006-07 में 10.08% की ग्रोथ दिखा दी थी, और 2010-11 में तो 10.3% की ग्रोथ दिखा दी थी। ये बिल्कुल मोदी सरकार को ठीक नहीं लगा, क्योंकि मोदी सरकार का मानना तो ये है कि अगर हिंदुस्तान डबल डिजिट ग्रोथ तक पहुंचेगा तो मोदी सरकार के अंडर ही पहुंचेगा, किसी और के अंडर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वो जो सारी एक्सरसाइज थी उसको एकदम ख़त्म कर दिया गया, उसको एकदम सैक कर दिया गया, सब सारी एक्सरसाइज को, और एक नई एक्सरसाइज शुरू की गई नए लोगों के साथ जो कि काफ़ी सपोर्टर हैं मोदी सरकार के। और देखिए उसका आउटकम क्या हुआ, एकदम अचानक जो यूपीए सरकार के आंकड़े थे वो एकदम नीचे आ गए, उनको टोटली नीचे गिरा दिया गया, और जो मोदी सरकार के आंकड़े हैं उनको एकदम बढ़ा दिया गया। तो ये यहीं से, ये जो हम अंग्रेजी में कहते हैं पोस्ट ट्रूथ नैरेटिव, मतलब कि आंकड़ों का फेर बदल करना, आंकड़ों का हेर फेर करना, ये सब इसी एक्सरसाइज के बाद शुरू हो गया है। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारी जो जीडीपी डेटा है वो संदिग्ध है, सस्पेक्ट है, लेकिन एक और बड़ी खामी है, और वो ये है कि हमारा जो बजट है, हमारी जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, वो कैश बेसिस पे होती है।
कैश बेसिस जो है बहुत पुराना दकियानूसी है। कंपनीज ने, बाकी जो भी मॉडर्न कॉरपोरेशंस हैं या मॉडर्न गवर्नमेंट्स हैं, वो कैश बेसिस पे तो करती हैं, लेकिन उसके अलावा अक्रूअल और कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी करती हैं। लेकिन चूंकि हम सिर्फ कैश बेसिस पे करते हैं, हमारे जो लोग हमारे बजट को लिखते हैं, जो नौकरशाह ब्यूरोक्रेट्स हमारी बजट को लिखते हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाता है दो चीज़ें करना। एक तो आंकड़े जो हैं उनको ऑफ द बैलेंस शीट, मतलब सरकार की बैलेंस शीट से हटा के किसी और बैलेंस शीट में रख देना काफ़ी आसान हो जाता है। और एक और आसान तरीका तो होता है कि किसी को आप इग्नोर ही कर दीजिए, आप बताइए ही मत कि वो एक ऐसी खर्चा हो गया था या नुकसान हो गया था, आप उसको छुपा दीजिए सिंपली। कैश अकाउंटिंग से ये काफ़ी आसान हो जाता है। मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूँ, अब तक देखिए, अब तक 2,00,000 करोड़ की जो फूड सब्सिडी थी, जो खाने की सब्सिडी है, वो सरकार ने अब तक इस साल तक वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पे रख दी थी। कहा था कि हम आपको ये पैसा दे देंगे, फिलहाल अभी आप कहीं और से इंतजाम कर लीजिए, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड से पैसा ले लीजिए, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड से ले लीजिए, बैंकों से पैसा ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, और ये हमको पता है कि ये जो खामी है हमको पूरा करना है, लेकिन अभी के लिए आप हम अपने बजट पे इस 2,00,000 करोड़ को नहीं रखेंगे, आप अपनी बैलेंस शीट पे उसको रख लीजिए। अब तक का तो ये 2,00,000 नंबर था, लेकिन इस साल में 1,96,000 करोड़, 1,96,000 करोड़ रुपया उन्होंने बताया है कि इस तरह से फूड कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट में रख दिया गया है। और अगले साल का अनुमान यह है कि 1.78 लाख करोड़, 1,78,000 करोड़ रुपए को हटाकर, सरकार की बुक से हटा के फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट में रख दिया जाएगा। तो अगर मैं साधारण वर्ड्स में आपको बताऊं, सिंपल वर्ड्स में बताऊं, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यह है कि 2-3% फिस्कल डेफिसिट जो है, जो कि सरकार की किताबों में होना चाहिए था, आज सरकार बड़ी बड़े बड़े प्राइड से कहती है कि हमने 3.4% का आंकड़ा कर दिया, लेकिन अगर पूरे आंकड़े सही दिखाए जाएंगे तो ये 2-3% आगे बढ़ सकता है। जो असली फिस्कल डेफिसिट है हमारी सरकार का, वो कहीं ज़्यादा हो सकता है, बल्कि ये जो 3.4 दिखाया गया है उसके मुकाबले। अब जरा एक नज़र मारिए नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड पे, NSSF पे, जो कि एक कामधेनु है बाकी पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी इस फंड से काफ़ी पैसा जो है दिया गया है। ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ रुपया जो है वो एयर इंडिया को दिया गया है, या NHAI को दिया गया है, या एक और श्रेणी है अदर, जिसमें काफ़ी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनीज हो सकती हैं। लेकिन अल्टीमेटली तो ये जो लायबिलिटी है ये तो सरकार की है, ये तो मोदी सरकार की ही होगी, लेकिन क्योंकि आपने इसको नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड पे ये 1,00,000 करोड़ छुपा दिया है, तो ये एक और ऐसा ऑफ द बैलेंस शीट आइटम हो गया है, जिसकी वजह से हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3.4% के बजाय काफ़ी ज़्यादा उसकी होने का डेंजर है। अब देखिए एक और हेरा फेरी का खेल, एक और क्यूरियस बात, कि जिस तरह से एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी के शेयर खरीदती है और पैसा जो है सरकार को दिया जाता है। ये पहले हुआ था, इस साल से पहले हुआ था, 37,000 करोड़ ONGC ने HPCL को खरीदा था तो सरकार को दे दिया था। अब 14,000 करोड़ PFC REC की ट्रांजैक्शन भी ऐसे ही हुई है। और अब देखिए LIC किस तरह से, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन किस तरह से ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ रुपए दे चुकी है सरकार को, सरकार के शेयर्स बाय करने पे। तो ये जो सारी ट्रांजैक्शंस हैं ये ज़्यादातर जो हैं बाहर से लोन लेकर, बाहर से कर्जा लेकर ये कंपनियां पैसा सरकार को देती हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है, इसका जो असर होता है, वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि हमारा अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाता है, क्योंकि इससे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और जो प्राइवेट क्षेत्र की कंपनीज हैं, जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उनको फिर लोन नहीं मिलता है। ये इसका असर होता है, इम्पैक्ट होता है। तो ये एक तरह से फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाना ही हमको मानना चाहिए। देखिए अब तो बहुत ज़रूरी हो गया, इट्स बिकम इम्पेरेटिव कि जो सरकार है वो अब वो कैश अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो पुराने हैं, काफ़ी दकियानूसी हैं, उनको छोड़कर एक अक्रूअल और कंसोलिडेटेड अकाउंटिंग, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक अकाउंटिंग है, उसके प्रिंसिपल्स को अपनाएं। और अगर ये रिफॉर्म्स नहीं होते हैं, ये नए प्रिंसिपल सरकार नहीं अपनाती है, तो हम लोग जो है काफ़ी आसानी से, हमारे जो नौकरशाह लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, काफ़ी आसानी से नए तरह के इकोनॉमिक आंकड़े बना सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, जिसको हमने इसी वीडियो में हेरा फेरी का नाम भी दिया है। और अगर ये होता रहा तो हम लोगों को काफ़ी पोस्ट ट्रूथ बजट देखने पड़ेंगे आने वाले सालों में।
लेकिन देखिए एक और बात तो है, डेमोक्रेसी का, जमहूरियत का एक सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि 2019 में अब चुनाव होने वाले हैं, लगता है कि जो हमारा वोटर है, जो कि बहुत ही एक सूझबूझ वाला वोटर है, बहुत वाइज वोटर है, शायद वो कुछ ऐसा कर दे जिससे कि सरकारें ये जो है, ये जो पोस्ट ट्रूथ वाली बातें हैं, ये जो इकोनॉमिक नंबर्स को मनगढ़ंत करने की जो बातें हैं, वो शायद एकदम रुक जाए।